friends, welcome back to the YouTube चैनल ऑफ टैक्स एंड लॉ डायरेक्टरी। आई एम साक्षी रैली, टैक्स कंसल्टेंट। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड बहुत से चेंजेस 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। फर्स्ट जो मेजर चेंज था जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कंपोजिशन स्कीम के लिए द एश्योर्ड लिमिट को इंक्रीज करके 1,50,00,000 कर दिया गया है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स कंपोजिशन स्कीम की द एश्योर्ड लिमिट जो पहले 50,00,000 थी उसे 75,00,000 कर दिया गया है। साथ ही न्यू कंपोजिशन स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई है। जो एग्जिस्टिंग कंपोजिशन स्कीम थी वह सर्विस सेक्टर में केवल रेस्टोरेंट सर्विस के लिए अवेलेबल थी। नाउ अ कंपोजिशन स्कीम शैल बी मेड अवेलेबल फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस और मिक्स सप्लायर्स विद अ टैक्स रेट 6% हैविंग एन एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹50,00,000। न्यू कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल होगी सर्विस प्रोवाइडर के लिए एज वेल एज डीलर्स हु सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब सभी सर्विस प्रोवाइडर जिनका एनुअल टर्नओवर 50,00,000 से कम है वह भी अब कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। यह चेंजेस जीएसटी काउंसिल की 32वीं मीटिंग में रिकमेंड किए गए थे, जिसे अब डिपार्टमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 डेटेड 7 मार्च 2019 नोटिफाई कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 से कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा एंड कौन सी स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन इसका बेनिफिट ले पाएंगी, इसको क्लियरली समझने के लिए हमने एक सिंप्लीफाइड चार्ट प्रिपेयर किया है। अब 1 अप्रैल 2019 से जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स ऑफ गुड्स, बिजनेस जो गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई कर रहे हैं टू द एक्सटेंड ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5,00,000 विच एवर इज हायर, रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग एल्कोहल जिनका टर्नओवर 75,00,000 से ज़्यादा नहीं है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स एंड 1,50,00,000 से ज़्यादा नहीं है इन केस ऑफ अदर स्टेट्स। स्पेसिफाइड स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स कवर होंगी यह हमने अपनी सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। आप आई बटन में दिए गए लिंक को फॉलो करके यह वीडियो व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स ऑफ गुड्स एंड मिक्स सप्लाई के केस में जीएसटी रेट होगा 1% एंड रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग एल्कोहल के केस में जीएसटी रेट होगा 5%। अब 1 अप्रैल 2019 से सप्लायर जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं एंड सप्लायर्स जो केवल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वह भी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे अगर उनका टर्नओवर 50,00,000 से कम होगा, और इस केस में जीएसटी रेट होगा 6%। टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेसेस रजिस्टर्ड विद द सेम पैन should be taken into consideration to calculate turnover for calculating the assured limit. Revise the assured limit for GST registration and composition scheme जो 1 अप्रैल 2019 से इफेक्टिव होगी, इससे स्मॉल बिजनेसेस को बहुत रिलीफ मिलेगा। The assured limit से रिलेटेड जो चेंजेस हैं उसे हमने मेंशन टेबल में समराइज किया है। सप्लायर्स ऑफ गुड्स जिनका टर्नओवर 40,00,000 है या उससे कम है उन्हें अब जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर टर्नओवर 40,00,000 से ज़्यादा है पर 1,50,00,000 से कम है तो जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, पर सप्लायर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके रिड्यूस जीएसटी रेट जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 1% है एंड रिड्यूस कंप्लायंस अंडर द कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर टर्नओवर 1,50,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते एंड उन्हें नॉर्मल रेट से जीएसटी पे करना होगा विद रेगुलर कंप्लायंस। इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अगर टर्नओवर 20,00,000 या 20,00,000 से कम है तो जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टर्नओवर 20,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा है बट 1,50,00,000 रुपीज़ से कम है तो जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, पर सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं एंड 5% के रेट से जीएसटी पे कर सकते हैं। टर्नओवर 1,50,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे और उन्हें नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना होगा। अदर सर्विसेज के केस में अगर टर्नओवर 20,00,000 रुपीज़ तक है तो जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टर्नओवर 20,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा है बट 50,00,000 रुपीज़ से कम है तो जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, बट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं एंड 6% के रेट से जीएसटी पे कर सकते हैं। अगर टर्नओवर 50,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें नॉर्मल रेट से ही जीएसटी पे करना होगा। यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि स्पेसिफाइड स्टेट्स के केस में द एश्योर्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्टिंग ऑफ कंपोजिशन स्कीम डिफरेंट है, जिसको हमने अपनी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करा है। इन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से यह वीडियोज़ व्यू कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के केस में कुछ एक्सेप्शन भी स्पेसिफाई की गई हैं, जिन केसेस में बिजनेसेस कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। फर्स्ट एक्सेप्शन है मैन्युफैक्चरर एंड मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू। मींस जो बिजनेसेस आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू में डील करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड एक्सेप्शन है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज। मींस जो बिजनेसेस इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, ये डिफरेंट स्टेट्स में डील करते हैं, वे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। थर्ड एक्सेप्शन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। फोर्थ एक्सेप्शन है बिजनेसेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। मींस बिजनेसेस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हैं वे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफाई की गई हैं, जिनको फुलफिल करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं क्या है वे कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय अ डीलर ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन स्कीम्स। मींस डीलर जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है वे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। द डीलर कैन नॉट सप्लाई जीएसटी एग्जम्प्टेड गुड्स। कंपोजिट डीलर जीएसटी एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते। Taxpayer has to pay tax at normal rate for transactions under the reserve charge mechanism. If a taxable person has different segment of businesses such as textile, electronic, accessories, groceries, etc. under the same PAN, they must register all such businesses under the scheme collectively or opt out of the scheme. The taxpayer has to mention the words composition taxable person on every invoice or signboard displayed prominently at their place of business. The taxable person has to mention the word composition taxable person on every bill of supply issued by him. कंपोजिशन स्कीम एक अल्टरनेट मेथड है टैक्सेशन का अंडर जीएसटी। अगर आपका टर्नओवर विद इन लिमिट है और आप कंपोजिशन स्कीम में स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटी में कंप्लायंस को कम एंड सिंपल रखा गया है। कंपोजिशन डीलर के लिए टैक्स रेट्स को कम रखा गया है। एज ए रिजल्ट कंपोजिशन डीलर take the advantage of limited tax liability and higher liquidity as taxes are at a lower rate. कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होंगी जो अभी हमने पहले डिस्कस करी। तो कंपोजिशन स्कीम की अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट, अ लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस। द डीलर इज बैड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू कंपोजिशन डीलर्स। The taxpayer will not be eligible to supply exempt goods or goods through an e-commerce portal. Composition dealer different state में business नहीं कर सकते। Composition dealers अपने purchase और expenses पर input tax credit claim नहीं कर सकते। Composition dealer exempted goods की supply नहीं कर सकते और अपनी goods sale नहीं कर सकते through e-commerce portal. Question comes, how can a taxpayer opt for a composition scheme? Opt for composition scheme, a taxpayer has to file GST CMP 02 with the government. This can be done online by logging into the GST portal. This information should be given at the beginning of every financial year by a dealer wanting to opt for composition scheme. मीन्स अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ही इसकी इंटीमेशन डिपार्टमेंट में देनी होगी। अगर आपको रिलेटेड नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। वी आल्सो प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड अपडेट्स एंड एनालिसिस ऑन टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। यू कैन सब्सक्राइब इट बाय जस्ट प्रोवाइडिंग योर डिटेल्स, नेम, मेल आईडी एंड द इंडस्ट्री यू बिलोंग्ड। आप यह डिटेल्स हमारे मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट अस एट tldcdelhi@gmail.com और कॉल अस एट 0999882345। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ के अलर्ट के लिए बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।